सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आए हैं जो इन्फॉर्मेशन से भरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। आज ज्वाइन किया है कराची से, बल्कि सिंध से कहना चाहिए क्योंकि अलग अलग जगहों से हैं। शायद हमें जी सनी कुमार है हमारे साथ, और उनके साथ हैं जी फकीर शिवा कच्ची साहब। बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे जरा माइनॉरिटी की, जो प्रॉब्लम्स चल रही है पाकिस्तान में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो या पारसी हो या कोई भी रिलीजन हो, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान में जिस तरह से उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है। और उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनको सजा देने के बजाय, जो लोग ऐसा करते हैं जिसमें के मियां मिट्ठू वगैरह खास तौर पे हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कोई काम किया है। और किसी किस्म का कोई उनके खिलाफ हम ना तो पुलिस केस बनते हुए देखते हैं और ना ही किसी की कोई हम मदद करते हुए किसी को देखते हैं। इसी बारे में हम आज बात करेंगे। और सबसे पहले फकीर साहब आपकी तरफ चलूंगी, आपके काफी ट्वीट्स वगैरह भी देखी है मैंने, और आप अक्सर चीजों को हाईलाइट करते रहते हैं। क्या इश्यू क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे हमें? प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये सिंध के अंदर जो फोर्स कन्वर्जन का मामला है वो आज का नहीं है, काफी सालों से, काफी टाइम से चल रहा है। लेकिन इस पे क्या लोग डर से, खौफ से इस पे कोई बात कर, खुल्लम खुला बात करने के लिए तैयार नहीं था। वैसे आप दिन की बात करके फौरन उसकी जो है ना शादी निकाह करवाया जाता है। हालांकि सिंध के अंदर आप देखें, 2013 के अंदर एक बिल पास हुआ था, चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कानून मौजूद है उस पे आज तक कोई अमल ही नहीं होता। कानून तो है भाई, आपने कानून तो बनाया, उस पे कम से कम अमल तो कराए, उस पे कोई अमल नहीं होता। बच्चियां उठा के आप लेकर जाएं, उनसे अपनी मर्जी के बयान दिलवाएं। देखें, एक तो नाबालिग बच्ची है, 12 14 साल 15 साल की, उसे डराया और खौफ इतना दिलाया जाता है, वो डर और खौफ की वजह से जो वो बोलते हैं उस तरह का बयान कोर्ट में दे। आपकी आवाज बार बार रुक रही है फकीर जी, आपका इंटरनेट का मुझे थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। लेकिन यही बात सनी, अगर आपसे पूछूं मैं, वो इतनी देर अपना इंटरनेट का थोड़ा चेक कर लेंगे। जी सनी, आपके साथ भी यही इश्यू है, चल आपकी सकता है कि सिस्टर बच्ची का तो इश्यू लेकर है। जी आज। जी बिल्कुल, यही इशू तो बहुत टाइम से चल रहा है, और जब भी हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, कभी किस तरह से, कभी किस तरह से, कभी हमारे नौजवानों को कत्ल करते हैं, कभी हमारे बहू बेटियों को वो उठा के ले जाते हैं। और बात ये है, वो नहीं है कि ये हमारे फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, पर हमें दुख इस बात का भी है कि हमारे जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जो इदारे हैं, पुलिस है या कुछ और इदारे हैं, वो उनके साथ मुलव्वस होते हैं। और जब भी एक उम्मीद होती है, यार हमारे साथ एक जुल्म हुआ है, मेरे साथ इशू हुआ है, तो मैं किसे बोलूँ, किसे कहूँ? जो इदारे हमारे बनाए गए हुए हैं, जो हमें इंसाफ फराहम करें, वही उन्हीं के चटे बटे बने होते हैं। तो इस तरह से ये मायूसी भी हमें होती है कि यार हम किसको अपनी, मतलब किस अपनी दुख की दास्तां किसको सुनाएं। और उसके साथ अभी रिसेंटली वो यूके ने मियां मिट्टू के ऊपर जो सेंक्शन लगाया था, अभी उस सेंक्शन के बाद जो सेमिनार हो रहे हैं उसमें मियां मिट्टू को फ्रंट सीट पे बिठा के उसको चीफ गेस्ट बना रहे हैं। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत हमें मुंह से बोल क्यों नहीं देती कि आप चले जाओ। ठीक है, एक तो आप हमारे साथ जो इश्यू हुआ है आप हमें बुलाएं, हमारी बात सुने, हमारी हमें आप हमें आगाह करें, और उसी जो आप सिलसिले में सेमिनार रखते हैं, आप वहाँ मीटिंग रखते हैं, उसको आप चीफ गेस्ट मियाँ मिट्ठू को बना दें। एक वो सेंक्शन है, आप उसके ऊपर सेंक्शन लगाओ, उसको आप हथकड़ियां लगाओ, और आप ही उसको चीफ गेस्ट बना के हमारे सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, अभी ये लॉ भी है चाइल्ड मैरिज एक्ट, अभी किसे बोले हम उस पे, अभी चंदा महाराज का रिसेंटली केस हुआ था,
कोर्ट में भी पेश हुआ था कि लड़की छोटी है, 14 से 15 साल की है, तो उस पे भी उस पे कानून पे अमल नहीं किया गया। तो अभी कोर्ट से भी हमें वो उसको शेल्टर रूम में भेजा गया, अगर उसकी एज छोटी है तो उसको आप हम अपने माँ बाप के साथ भेज दें ना। अभी आप उसने उसको शेल्टर भेजा है, फिर 1-2 साल वो शेल्टर में उसके साथ क्या नहीं होगा। अभी मैं लोग समझदार हैं, समझते होंगे, ऊपर जो ऑफिसर बैठे हैं वो भी समझते होंगे कि शेल्टर हाउस में क्या होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो 2 साल उसके साथ जुलम होगा, फिर उसको फिर वो किडने पर जो है उनके साथ वो बेच देंगे। तो अभी मैं नहीं समझता कि हमें यहाँ कुछ होगा, हमारा यहाँ मास माइग्रेशन ही हमारे लिए एक बेहतर सिचुएशन होगा। लेकिन सनी, इससे पहले भी आप आवाज उठाते रहे हैं और आपने ये बात उठाई है, और आपकी सिस्टर का केस है, मेरा ख्याल है आपकी आपकी जो बहन है उनको ये मियां मिठू उठा के ले गया। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस्लामाबाद में वो कॉन्फ्रेंस थी और मैंने उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाई है, बात की है। लेकिन अफसोस है कि इस किस्म की हरकतें यहाँ पर होती हैं, और बजाय उस आदमी को अरेस्ट करने के, सजा देने के, हम उसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। आपकी सिस्टर का क्या इशू था, वो भी आप जरा बताइएगा। अभी उसको जबरदस्ती उठा के एक रात में उसको अगवा भी किया गया, उसको कन्वर्जन भी किया गया, उसकी शादी भी की गई और सुबह सवेर को उसको कोर्ट में पेश भी किया गया। अभी आपको खुद बताए 1.5 साल से 2 साल में जितना भाग रहा हूँ, और मेरे पास ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नमेंट के ह्यूमन राइट्स का एक आर्डर है जिसमें वाजे लिखा हुआ है कि मेरी सिस्टर मेरे घर में 1 महीने में 2 मरतबा आ सकती है, और ये चीजें शरीयत के मुताबिक हुई हैं। और उस ऑर्डर में उसमें वो सूरत वगैरह भी जो होते हैं वो लिखी हुई है, ये शरिया है। तो उसके अलावा भी 1 साल हो गया है मैं ऑर्डर लेके घूम रहा हूँ, कभी पुलिस के पास, कभी कहाँ पे दरख्वास्त दे रहा हूँ, लेकिन पुलिस उसके साथ है, मियाँ मिट्टू का बेटा उसके साथ होता है, वो आज तक उस ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ। तो अभी एक इंसानियत के नाते वो इम्प्लीमेंट मुझे मिली है, पूरे सिंध में ऐसी इम्प्लीमेंट नहीं निकली। अभी जब वो निकली है, मुझे मिली है, तो आप उसे अमल तो करवाएं। अभी मेरे पास इतने एविडेंस है, मैं आरजू कादमी आपको क्या बताऊं, अभी मीडिया पे है, मैं आपको क्या एविडेंस दूं, ऐसा कौन सा पाकिस्तान में जो बड़ा ऑफिसर है जो मेरे साथ इंसाफ करे। एविडेंस देना मेरा काम है, इंसाफ देना हुकूमत का काम है। अभी 30 तारीख को हम अब धरना लगा रहे हैं सीएम कराची सीएम ऑफिस के बाहर। अभी जब तक हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, हमारे कानून साजी नहीं होगी, तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, चाहे हमारी जान की नहीं चली जाए। 30 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा एहतजाज है कराची में सीएम ऑफिस के पास। सनी, आप इस्लामाबाद भी तो आए थे, यहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात हुई, कोई बात हुई किसी मिनिस्टर से, किसी हाई लेवल के ऑफिशियल से? मैं 1 मरतबा नहीं, मैं इस्लामाबाद 3 से 4 मरतबा आया हूँ, लेकिन मुझे वहां खुद बुला के वो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्ट्री के पास गया था, खुद बुला के, फिर उधर वहां पे मिलते भी नहीं है। अगर मिलते हैं तो वो इंसाफ नहीं देते, ये बात टालने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये तो आपके साथ एक इशू हुआ है, ऐसे तो बहुत लोगों के साथ जुलुम है। और एक हिंदू एमपी है, उसने ये तक कह दिया था अपने जो नीचे वाले काम करने वाले होते हैं कि ये लड़का पागल हो गया। अरे मैं आपको एविडेंस देता हूँ खुदा के बंदे, आप इंसाफ करें ना। आप हमारे माइनॉरिटी के जो है वो बोलते हैं कि ये सनी पागल हो गया है। अभी मैं किस किस को वो एविडेंस दूं? लेकिन फकीर जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका इंटरनेट उस वक्त नहीं चल रहा था। ये क्या मतलब बात है कि जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके अपनी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भी जो है साथ नहीं दे रहे होते? बल्कि मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में आपके सिंध असेंबली के एक मिनिस्टर आए हुए थे और हिंदू कम्युनिटी से ही थे, मैंने जब उनसे बात की कि इस किस्म की हरकतें होती हैं, इस तरह से बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है और जबरदस्ती उनके रिलीजन चेंज करवाए जा रहे हैं, माँ बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो वो कहने लगे कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे सिंध में जो गवर्नमेंट है, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लगे। मुझे ये तो है कि चले जो मुस्लिम्स हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों के अपने लोग हैं वो भी इस किस्म का स्टेटमेंट देते हैं। जी बिल्कुल, यही वजह है ना, अगर ये हमारे एमपीएस एमएनएस जो है मौजूद हैं असेंबलियों में, अगर वो सच्चे हों और दिल से काम करें, आगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे प्रेशर दें, जिस पार्टियों के अंदर है उनको उनके हेड है उनसे बात करें, तो ये बिल पास हो सकता है, इन बच्चियों के लिए कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी सीट बचाने के चक्कर में, अपने मुफाद के लिए
जो है ना कुछ भी हिंदू बिरादरी के लिए, सिंध की हिंदू बिरादरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस पे बड़ा अफसोस होता है और मेरा इसी बात पे काफी दफा इनसे बहस भी हुआ है। आज भी देखें, अभी 30 तारीख को हमने जो सिंध असेंबली के आगे अज्जा जी धरने की काल दिए, वो भी इस पे कि भाई आप नाबालिग बच्चियां जो सिंध से अगवा हो रही है, मजहब तब्दील हो रहे हैं, उन पर कानून साजी करें। सिंध गवर्नमेंट तो कर सकती है, कम से कम सूबे में तो करें। आप देखें अक्सरियत में तो सिंध के अंदर ऐसे वाकयात हो रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट को पावर है, उनके पास इतनी ऑलरेडी वोट मौजूद है, वो आराम से ये बिल पास कर सकते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी, बिलावल भुट्टो, वैसे तो आप जाए मंदिरों में जा रहे हैं, गिरजा घर में जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, मुराद अली शाह साहब सब, लेकिन इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई उसमें हमारे लोगों का बिल्कुल कसूर है, जो भी हमारे एमपीएस एमएनएस है, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, सबके सब सिर्फ अपने मुफाद के लिए हैं, और इनको कोई हमारी बच्चियों के साथ हमदर्दी नहीं है, ना हमारे लोगों के साथ। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन लड़ के नहीं आए, ये सिलेक्ट किए गए लोग हैं, बिल्कुल सिलेक्ट किए गए हैं, जो करोड़ों रुपए में आंधी रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि करोड़ों रुपए ये फंड दे के पार्टियों को, सियासी पार्टियों को देकर ये आते हैं। अब इनमें से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जो कि खुद फंड दे के पार्टियों को आते हैं और बगैर वोट के आते हैं, उनको हमसे क्या हमदर्दी होगी, और ना उनको हमारी परवाह है कि उनको कौन सा हमारे पास आना है वोट मांगने। मैंने ये, जब तक ये जो मखसूस सीटों वाला निजाम है ये खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे जो मसले मसाइल हैं, या हमारे जो नुमाइंदान जो नुमाइंदे हैं पार्टियों के अंदर, असेंबली के अंदर, हमारे लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। इनको हमसे क्या है, कोई इनको तब उनको पता है हमें कौन सा इनसे वोट लेना है, वो तो है ही नहीं कि उनको हमें वोट देना है, वो तो सिलेक्ट होके आ रहे हैं। तो इसी चीज पे गवर्नमेंट को चाहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हालांकि मैंने भी बीच में यही एक जहन बनाया था कि इस तरह की हम कोई एप्लीकेशन दें कि ये मखसूस जो सीटें वो निजाम खत्म हो जाए, भाई सिलेक्ट वाला निजाम ही खत्म हो जाए, आए इलेक्शन लड़े, देखें ये यही एमपी एमएनएस है ना, इनको लेकर आए किसी हमारे हम अपने ही बंधुओं के साथ किसी काउंसलर की सीट पे खड़े करते हैं, आ जाए इलेक्शन लड़े, कोई जीत के दिखाए, कोई इनको सिंध के अंदर वोट नहीं दोगे, क्यों देगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि जब ये गए हैं असेंबली में, चाहे सेलेक्ट होकर ही गए हों, लेकिन अपने लोगों के लिए तो आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर मुझे बहुत हैरत हुई थी उन साहब से मिलकर जो सिंध असेंबली के थे और हिंदू थे, और उनके मतलब जरा सा भी उनको एहसास नहीं था उस बात का जिसके लिए हम आवाज उठाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन साथ साथ सनी, आपने अभी जो बात की, आपकी सिस्टर की, आपने कहा कि जी शरिया के हिसाब से मिल सकती हैं, आप क्यों ये बात कर रहे हैं? इसलिए कि ये तो जबरदस्ती में रिलीजन चेंज करवाया गया है, और इसको मान लेना जो है वो भी गलती है। अगर आप इस बात को मान जाएंगे कि हाँ वो अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम हो गई है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब है आप उस जुल्म को, उस जाति को, उस गलत चीज को जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आप प्रोटेस्ट करेंगे कराची में, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई इंटरनेशनल लेवल पे, कोई जैसे होती ह्यूमन राइट्स वाले होते, वो क्यों नहीं देख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अभी देखे ना, अभी आप ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं, पहले तो ये मुझे एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर तो मेरी खुशी से नहीं मिला होगा, जो हकीकत वहां पे हुई होगी, जो वहां पे स्टेटमेंट बयाना तो हुए होंगे, वहां पे मेरी सिस्टर भी आई थी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी, हमने अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उस बेहाफ पे ये इम्प्लीमेंट इशू हुई है, तो जो भी इशू हुए उस पे अमल नहीं हो रहा। मैं ये सवाल उठा रहा हूँ हमारे इदारों पे जो ये अमल नहीं करवा रहे, मैं खुश हूं नहीं हूं वो बात की बात है, मैं पहले ये कानून साजी की बात कर रहा हूँ, हमारे इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। और सर दूसरी बात, अभी कुछ टाइम पहले जब मियां मिट्टू को वहां चीफ गेस्ट बनाया गया था, तो फकीर शिव ने वहां बात की थी, वही सेमिनार है अभी कराची में हुआ था कुछ दिन पहले, तो फकीर शिव को वहां पे उन्होंने वहां पे बुलाया भी नहीं था, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी में बात करने वाले लोग हैं उनको तो हकूमत और हमारे जो इस वक्त बैठे नुमाइंदे हैं वो भी उनको दूर हटाने की बात करते हैं, क्योंकि उनका अपना बिजनेस चल रहा है, अगर उसके घर में भी ये इश्यू हो जाए ना फिर भी वो आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको करोड़ों का लॉस ना हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन अभी दूसरी, मैंने आपको ये अब फोटो एक भेजी थी कुछ टाइम पहले, एक हैदराबाद की लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, इंडिया के एक लड़के के यहाँ चली गई थी, अभी उसके बाप ने यहाँ एफआईआर कटवाई थी वहां के इदारों ने, और यहाँ के इदारों ने
मिलके काम किया और उस लड़की को यहाँ फिर से मंगवा दिया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थी, हम हिंदू है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। ऐसी बात है कि वो हिंदू था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, 2 महीने लड़की वहां पे स्टे उसने किया था, वहां पे उसकी शादी हो गई, फिर भी वहां के इदारों ने उसको यहाँ भेज दिया। क्यों? एक इंसानियत होती है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, और वो सिस्टम के साथ चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सिस्टम के साथ नहीं चल रहे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपके साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा है। और फकीर जी ये बात भी कहाँ तक सही है कि साल में तकरीबन 1,000 से ज्यादा बच्चियों को इस तरह से किडनैप करके और जबरदस्ती उनके घरों से उठा के और शादियां करवा दी जाती हैं मुस्लिम्स के साथ, ये फिगर ठीक है क्या? देखें, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट थी जो जिसमें कहा गया था वाजह तौर पे ये कि सालाना 1,000 के करीब या बच्चियां जो हिंद अकलियती बच्चियां हैं वो उठाई जाती हैं, उनका मजहब तब्दील करके उनकी शादियां करवाई जाती हैं। देखें, मैं जहां तक समझता हूँ जो वाकयात पहले हो रहे थे, हम तो अभी 2020 से ही काम कर रहे हैं और पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद की तरफ से हमने फोर्स कन्वर्जन पे इन बच्चियों की अगवा पे काम 2020 से किया। 2022 की हमने एक सालाना रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें तकरीबन 400 बच्चियों का रिकॉर्ड हमारे पास है जो हमने 2022 की बनाई है। अब देखें उसमें क्या हुआ कि एक तो छोटी नाबालिग बच्चियां हैं 12, 13, 14 साल की, और उसमें शादीशुदा बच्चियां हैं जिनके दो दो चार चार बच्चे भी हैं। जुल्म तो ये नहीं है, ना इंसाफी नहीं है कि दो तीन बच्चों की माओ को आप उठाएं और जाकर बस पहले वाला खामन जो बैठा हुआ बैठा, कोई तलाक भी नहीं है, डायरेक्ट आप उसका मजहब तब्दील करा और शादी भी हो गई, पहले वाली शादी का कोई तलाक भी नहीं हुआ। हालांकि सिंध हाई कोर्ट की वाजह तौर पे स्टेटमेंट है कि शादीशुदा हिंदू या मुस्लिम औरत, गैर मुस्लिम चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन, वो इद्दत में लाजमी गुजारने, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, सिंध हाई कोर्ट की वाजह तौर स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी यहाँ कानून की आप धज्जियां रिपीट उड़ाई करेंगे जा रही स्टेटमेंट हैं। को, बिकॉज आपकी आवाज जो थी वो बीच में रुक गई थी, आप ये बात सिंध रिपीट हाई करें। कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की एक स्टेटमेंट है, वाजह तौर ऑन द रिकॉर्ड चीज है कि एक शादीशुदा औरत चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो अगर निकाह करना चाहती है तो उसको 3 महीने इद्दत में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी शादीशुदा दो दो तीन तीन चार चार बच्चों की माएं उठाई जा रही हैं, उनका मजहब तब्दील हो गया और वो शादी हो गई, कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। पुलिस तो अभी आप नोकोट की देखें, शांत करिश्मा भील नोकोट की 14 साल की बच्ची है, उनके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। मैंने खुद एसएसपी साहब से बात की, डीआईजी मीरपुर खास से बात करी, एसएचओ से बात, लेकिन वो एफआईआर नहीं हुई। हमने एसजाजी धरना भी दिया लेकिन एफआईआर उन्होंने नहीं काटी आखिर तक, और कोर्ट में गई, कोर्ट ने वो डॉक्यूमेंट्स कबूल नहीं किए और उस बच्ची को जो है ना अगवा कोर के हवाले कर दिया। ये तो जुल्म है ना, नाइंसाफी है। जब जी आप कानून बिल्कुल बनाते हैं तो उस पर अमल भी करवाएं। बिल्कुल जी सनी, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा चंदा महाराज की एज कोर्ट के थ्रू जो उसकी टेस्ट हुई थी उसमें उम्र भी उसकी छोटी आई थी, वो चंदा महाराज। नहीं देखें, एज छोटी हो या बड़ी हो वो इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और उसको रोका नहीं जा रहा, किसी भी उम्र की बच्ची हो चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके माँ बाप की मर्जी के बगैर इस तरह से उसको ले जाना और जाके उसकी शादी करवा देना गलत है। और अभी तो जैसे फकीर साहब बता रहे हैं कि जो मैरिड है उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा और ये चीज बढ़ती जा रही है। और पिक्चर्स तो हम देखते हैं मियां मिट्ठू की, ना सिर्फ ये कि जो लीडर्स हैं उनके साथ है, बल्कि लास्ट तो मैंने देखी थी कि आर्मी चीफ जो हमारे गए हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ भी उसकी पिक्चर्स है। इसका मतलब है कहाँ तक उसकी पहुंच है वो समझा जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों से बातचीत करते रहें और आपकी आवाज जितनी ज्यादा पॉसिबल होगा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जुल्म जो हो रहा है पाकिस्तान में उसको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू।